सो हे गाइस, दिस इज वैभव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज काफ़ी दिनों बाद कोई वीडियो आ रहा है और अपन जा रहे हैं अभी नीचे अपने गाड़ी के पास में, क्योंकि आज बाल बाल बज गई है गाड़ी अपनी। तो चलते गाड़ी के पास और मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में हुआ गया। सो आज मैंने उम्मीद नहीं किया था कि यार पानी आएगा, बट हल्का हल्का बूंदाबांदी शुरू है। सो इधर अपनी बाइक खड़ी है, मैं बोल दूं कि जिन जिन को ये लगता है कि भैया मैं क्लिकबेट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये वीडियो पूरा इन्फॉर्मेशन वाला है और इसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपनी बाइक के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने इग्नोर कर दी या फिर कभी आपने याद नहीं रखा तो ये आपके लिए आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। चेस और ये रखा है गेज टिप, और मैं आपको दिखाऊँ इंजन के पास, तो यहाँ पर मैंने गेज टिप निकाल के रखा है। सो कल मेरा राइड का कोई प्लान नहीं था और आज था संडे। मॉर्निंग में जल्दी उठ गया तो सोचा यार चलो आज संडे राइड कर लेते हैं। लगभग 100 किलोमीटर्स की मैंने राइड करी और राइड में गाड़ी इतनी ओवरहीट हुई थी, उससे एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि लगभग मैंने आज से एक महीने पहले अपनी गाड़ी की फुल सर्विस करी थी और उसमें मैंने यूज़ किया था सर्वो का ऑयल 10W30। तो वो जो ग्रेड है वो एक्चुअल में पल्सर का नहीं है, बट वही ग्रेड मैंने एवेंजर में यूज़ किया क्योंकि उसमें कोल्ड स्टार्ट का प्रॉब्लम था, और करिश्मा ZMR में भी वही ऑयल यूज़ किया था मैंने और इसमें भी वही यूज़ किया था। शुरुआत में उतना कुछ फ़र्क नहीं लगा, लेकिन आज जब मैंने राइड किया इतना कंटिन्यू में और अच्छी खासी स्पीड में किया, तो फ़र्क समझ में आया कि भैया जो ग्रेड होना चाहिए वही ग्रेड ऑयल का होना चाहिए। सो यहाँ पे रहता है इंजन और यहाँ पे पैर रहते हैं दोनों साइड में। तो जब गाड़ी मूव हो रही थी, जब स्पीड में चल रही थी, तो पूरी हीट मुझे फील हो रही थी अपने पैर पे, और मैं आज शॉर्ट्स पे राइड कर रहा था। सो घर आने के बाद सबसे पहले मैंने ये ओपन कर लिया और उसका गेज अलग करके रख दिया। गेज को ओपन करके रखने का एक ये रीज़न था, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ ऊपर में लगा है फैन, तो जो भी एक कूल एयर रहेगी वो डायरेक्ट इंजन के अंदर जाएगी, और जो भी इंजन के अंदर हीट जनरेट हो रही है वो पूरी आराम से इजीली बाहर आ जाए, अंदर के अंदर ना रहे। इंजन अभी भी काफ़ी गर्म है, जबकि मुझे हो गया लगभग 2 घंटे राइड करने के बाद, मतलब अभी 2 घंटे हो चुके हैं राइड करने को और इंजन अभी भी गर्म है, तो सोच लीजिए कितना गर्म होगा। सो ग्रेडिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर गाड़ी का ग्रेड अलग रहता है इंजन ऑयल का। जैसे पल्सर का 20W50 और मैं यूज़ कर रहा 10W30, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, और इससे कुछ नहीं होगा। एक सर्टेन टाइम के बाद जब मतलब ज़्यादा गाड़ी चलेगी, ड्राइव होगी, तब इसका इंजन जो है वो वॉर्न होना शुरू हो जाएगा, ख़राब होना चालू हो जाएगा, और जो उसकी पिस्टन की रिंग रहती है वो भी ख़त्म होने में आ जाएगी। तो अभी मैंने उसको कर दिया है और अभी इसको ऑयल भी चेंज करूँगा यार, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता बाइक का, क्योंकि अभी अभी इंजन मतलब लगभग मैंने 2.5 साल पहले इसका रिबिल्ड किया था, और अभी फिर से अगर वही प्रॉब्लम आएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कुछ अपनी पर्सनल पार्किंग है बाइक की, और सिंपली यहाँ पे पल्सर रहती है, वहाँ खड़ी एवेंजर, और ये एक टैंक लगा दिया अपन ने सेफ्टी के लिए, जो भी आएगा बाहर से हैंड वॉश करेगा और अंदर जाएगा। और ये खड़ी अपनी एवेंजर, इसका टेल लाइट का जो लैम्प है वो बल्ब वो डायरेक्ट हो चुका है, तो इसको मैंने निकाल के रख दिया है, उसको भी कुछ करेंगे। एवेंजर काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है क्योंकि बहुत टाइम से रखी हुई है, मैं पल्सर को ही ड्राइव कर रहा हूँ। और इधर मेरे पूरे स्पेयर को ठीक करने के पाने, जो कि ये बाल्टी में रहते हैं और मैंने निकाल के रख दिया है क्योंकि वहाँ पानी भर गया था, तो मैंने निकाल के उनको सेपरेट कर दिया। पानी जब सूख जाएगा तो उनको क्लीन करके वापस बकेट में रखेंगे, या फिर कुछ एक टूल बॉक्स में सोच रहा हूँ कि एक बना लूँ अपना सेपरेट। इधर रखी है इसकी टेल लाइट, हैमर, और पाने तो है ही है। बोलते यार कि भाई तू बोलते हो कि ना अब कंटिन्यू करूँगा, और एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा अगले दिन ही व्लॉग आता नहीं है, तो ऐसा उसका एक रीज़न मैं आपको बताऊँगा कि अब रीज़न देके यार इंसान को भी लगता है कि भाई बहुत रीज़न दे दिए मैंने। सो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो मेरी स्टडी शुरू है MSBT में, बोर्ड में, जिस दिन मैंने ब्लॉग बनाया उसके अगले दिन मॉर्निंग में मैं न्यूज़ देखता हूँ कि उनने एग्ज़ाम को कंटिन्यू करने का प्लान किया है, उनने डिसीज़न लिया है कि सितंबर के एंड में एग्ज़ाम होगी,
जिसकी वजह से मेरा पूरा वो दिन भी ख़राब गया, उसके अगले 2 दिन भी ख़राब गए, कि मैंने एक एक्सपेक्टेशन किया था कि एग्ज़ाम नहीं होगी, बट अब क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम नहीं होगी कैंसिल, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और कल ही रात को मैंने चेक किया तो लगभग 38,000 पेशेंट्स पर डे इंडिया में आए हैं। तो बस ये गमछा नहीं है, ये सेफ्टी है। अभी मैं मास्क पहनूंगा और अपने दूसरे काम में लगूंगा, वो आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी ब्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसकी स्टोरी मैंने ब्लॉग बनाने से पहले इंस्टाग्राम पे डाल दिया था। और यार अभी मोटर शुरू हो गई तो आवाज़ बहुत आ रही है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट भी करिए यार, अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है कि यार हाँ अपन को ये चीज़ होना ब्लॉग में, तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए, मैं वो उसको इंक्लूड करूँगा। और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश मैं हर ब्लॉग में कर ही रहूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अब वीडियोस रेगुलर आएंगी ये तो श्योर है, बस वो एक पढ़ाई का टेंशन आ गया था। तो मिलते किसी और वीडियो में अगले दिन, और तब तक के लिए पीस आउट, बी सेफ, राइड सेफ, एंड कोविड है यार हर जगह, तो सेफ्टी अपनी आप प्रिकॉशन लो और अपना ध्यान भी रखो, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो।